खरगोन में सीवरेज लाइन सहित जल आवर्धन योजना का कार्य विगत 2 वर्षों से चल रहा है। इसके बावजूद आज भी कार्य अधूरा पड़ा है, जो जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें कि शासन की मंशा अनुरूप नगर पालिका प्रशासन ने निजी कंपनियों को ठेका देकर शहर को जल आवर्धन सीवरेज लाइन का काम आरंभ किया। 2 वर्ष से अधिक समय सीमा होने के बाद भी रोड पर बने गड्ढे और उड़ती धूल सरेआम बीमारियों को न्योता देते दिख रही है। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रह पी ने CMO को आदेशित किया कि कोताही बरतने पर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराए। नगर पालिका प्रशासक प्रियंका पटेल ने ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ थाना कोतवाली पर आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र में 2 तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है और एक सीवरेज योजना चल रही है। वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये MPUDC कंपनी है उसके तहत चल रही है और सीवरेज योजना अमृत योजना के तहत चल रही है। दोनों स्कीम्स के तहत जो खुदाई की गई है उसको लेके रेस्टोरेशन की समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है। मुझे ज्वाइन किए लगभग 3-3.5 महीना हो रहा है। बार बार निर्देश देने के बाद भी उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है जिस तरह से इन्होंने खुदाई करके छोड़ा हुआ है। पब्लिक को भी बहुत तकलीफ हो रही है इसको लेके, और हम लोग कितने ही आश्वासन दें कि काम हो जाएगा उतनी रफ्तार से नहीं हो पा रहा है जितनी तेज़ी से होना चाहिए। सीवरेज में गंदा पानी जो है अभी भी नदी में मिल रहा है जाके, जिसको लेके NGT भी बार बार आपत्ति लेती है। तो ये सब चीज़ों को लेके अगर हमारे निर्देशों का पालन ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो इनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। तो TL में मैंने मैडम के सामने भी बात रखी थी, कलेक्टर महोदय ने भी निर्देशित किया था कि इसको आप FIR करें, अगर ये काम ठीक से नहीं करेंगे। जनता की परेशानी को कहीं से भी कहीं तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और लोगों को हम ऐसे इनके थ्रू परेशान होने के लिए छोड़ नहीं सकते, तो काम तो इनको करके देना होगा। शिकायत कर दी आपने जी? शिकायत की है आपने? हाँ, FIR दर्ज कराने के लिए मैंने पत्र लिखा है कोतवाली थाने में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।